राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लब आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। नासिक शहर के जूना गंगापुर नाका स्थित ICICI होम फाइनेंस कंपनी की शाखा के लॉकर से दो चोरों ने 222 ग्राहकों के लगभग 5 करोड़ रुपए के सोने की ज्वेलरी आभूषण चुरा लिए। ये पूरी घटना बैंक के CCTV कैमरे में कैद हो गई है और इस संबंध में सरकारवाड़ा पुलिस में चोरी का मामला दर्ज किया गया है। शनिवार सुबह 2:30 से 3:30 के बीच दो संदिग्ध बिजनेस मैनेजर के कार्यालय खिड़की से अंदर घुसे। संदिग्धों को सेफ्टी लॉकर की चाबियां मिल गई और 222 ग्राहकों के लॉकर से के सोने के आभूषण चुरा लिए गए। इस संबंध में सरकारवाड़ा पुलिस में चोरी का मामला दर्ज किया गया है। चोरों ने फिल्मों की तरह एक बैंक में चोरी की है। दोनों संदिग्धों की उम्र 25 से 30 साल के बीच बताई जा रही है। एक ने सफेद हुडी पहनी हुई है और दूसरे ने सफेद टोपी पहनी हुई है। संदिग्धों को शाखा से ही लॉकर की चाबियां मिली और उन्होंने 222 ग्राहकों के 4,92,00,000 के आभूषण चुरा लिए। जानकारी के मुताबिक नासिक में चोरी की बड़ी वारदात मानी जा रही है। चोरों ने 222 खाताधारों के लॉकर तोड़कर उनमें से आभूषण साफ कर दिए। इन सोने के गहनों की कीमत करीब 5 करोड़ रुपए है। घटना का खुलासा शनिवार शाम को हुआ, फिर पुलिस को बुलाया गया। फिलहाल क्राइम ब्रांच और पुलिस चोरी के मामले की जाँच कर रही है। कई लोग इस बात से हैरान है कि CCTV और सुरक्षा की चौकसी के बावजूद चोरों ने ऑफिस में घुसने की हिम्मत कैसे की। CCTV फुटेज में दोनों लुटेरों के चेहरे साफ नजर आ रहे हैं। उसके आधार पर सरकारवाड़ा पुलिस ने लुटेरों की तलाश के लिए युद्ध स्तर पर जांच शुरू कर दी है।